गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन फ्रॉम मार्च एंड जून दिसंबर मार्च एंड जून 2018। सो गाइस इट्स अ 25 मार्क्स क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन बेस करता है ए स्कोर ऑफ मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर जो कि पिछले प्रीवियस अटेम्प्ट्स में भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को आ रहा है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अब डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स कैसे रीड आउट करनी है। बेसिकली स्टूडेंट्स जो है कहाँ पर लैक करते हैं, दे फेल हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। उनको कंसेप्ट क्लियर होता है बट उनको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स जो है अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है, दे फेल टू राइट द एग्जैक्ट आंसर, जिसके कारण हम 45-50 पे लैक कर जाते हैं। सो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन की स्टोरी में से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है जिससे हमें स्टोरी पढ़ने में ईज हो जाए। सो आर रिक्वायरमेंट्स इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज यूजिंग द ए स्कोर मॉडल इवेल्युएट वेदर द एलपी इज एट द रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर। कि हमें ए स्कोर मॉडल जो होता है, अर्जेंटीन ए स्कोर मॉडल जो कि एक क्वालिटेटिव मॉडल होता है, उसे हमें बताना है कि क्या जो है हमारी जो कंपनी है एलपी उसमें कॉर्पोरेट फेलियर होने के चांसेस हैं या नहीं है। देन नेक्स्ट इज कि हमें उसको एडवाइस करना है व्हाट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर needed in order to improve the performance in respect of each of the mistakes symptoms you have identified in part B. तो क्या क्या वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम उसको चाहिए होंगे ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव कर सके और अपने क्या कहते हैं उसके मिस्टेक्स को उसके सिस्टम को जो कि हमने आइडेंटिफाई की है पार्ट ए। बेसिकली ए स्कोर मॉडल क्या होता है, उसमें हम क्या देखते होते हैं, डिफेक्ट्स मिस्टेक्स एंड सिस्टम ऑफ फेलियर एंड सिम्टम्स ऑफ फेलियर। एंड डिफेक्ट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, मैनेजमेंट डिफेक्ट्स एंड अकाउंटिंग डिफेक्ट्स। एंड इसके बेस पे हमने जो है बताना होता है कि हमारी जो टारगेट कंपनी है उसमें कॉर्पोरेट फेलियर होने के चांसेस हैं या नहीं। देन नेक्स्ट है हमारे पास इवेल्युएट द यूजफुलनेस ऑफ द क्वालिटेटिव मॉडल सच एज ए स्कोर मॉडल इन द प्रेडिक्टिंग कॉर्पोरेट फेलियर। तो हमें ये बताना है कि ए स्कोर मॉडल जो है कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट फेलियर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग द सिनेरियो कि सिनेरियो हमारे क्वेश्चन को क्या कहता है। L&P ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड एंड इश्यूज। L&P is an architectural consultancy firm specialization in the design of large commercial buildings. Due to economic recession which began in late 2017, the demand for LP services fell dramatically and there were insufficient work for all the firm consultants. LP CEO believed that the recession will be short and the LP should do it all can retain the highly skilled and experienced workforce ready when the demand increases after the end of the recession. The rest of the board believed that the firm should cut the size of the workforce until that time and as already has an operational gearing should has higher than 50% higher than the mean. तो क्या है कि एक आर्किटेक्चुअल फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म है जिसका दैट कमर्शियल बिल्डिंग का काम था एंड ड्यू टू आजकल इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है सो आज की डेट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास इनसफिशिएंट फंड्स वाली सिचुएशन आ रही है एंड दे आर अनेबल टू पे देयर स्किल्ड वर्कर देयर वेजेस। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि अपने कट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है वेजेस एम्प्लॉयज उन्हें निकालने की बात हो रही है और हमारी जो है गियरिंग रेशियो जो है ज्यादा है 50% हायर देन द मेन राइवल। हमारे जो राइवल्स हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके कंपैरेटिवली हम गियरिंग रेशियो पे ज्यादा चल रहे हैं, मींस कि हम बोरो करने में हमें आएगी दिक्कत। अब डिस्पाइट द बोर्ड ऑब्जेक्टिव सीईओ आस्क्ड फॉर एलपी टू प्रिपेयर बिड्स फॉर वर्क ऑन अ नॉन कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट व्हिच हैव सो फार बीन अनअफेक्टेड बाय द रिसेशन। तो हमारा क्या काम था, कमर्शियल बिल्डिंग पे हम चल रहे थे पर अब क्या हुआ, हमारे बोर्ड ने क्या बोल दिया कि हमें नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरफ इनिशिएटिव लेना है जो कि आज की डेट में रिसेशन के कारण जो है अनअफेक्टेड है। तो एलपी हैज लिटिल ट्रैक रिकॉर्ड इन डिजाइनिंग द नॉन कमर्शियल डिजाइन बिल्डिंग्स। इट सक्सेसफुली टेंडर्ड अ फिक्स्ड फी फॉर डिजाइन वर्क ऑन अ लार्ज हाउसिंग डेवलपमेंट। तो हमारे पास क्या था, एक हमारे क्या है कि हमारे पास इन एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, राइट। और दूसरी बात हमने क्या किया, फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट में हम जो है एंटर हो गए। सो अब उसके बाद एज द फाइनेंस डायरेक्टर हैज बीन एब्सेंट ड्यू टू द इलनेस फॉर द ईयर
CEO has prepared and submitted the bid himself to meet the tight deadline for the submission of the bid. It was done at a time when most of the board were taking their annual holidays. So हमारे पास ना तो board of directors थे, ना ही हमारे पास finance director था, और CEO ने जो है ये काम किया, और CEO is an inexperienced person, ये उसका काम नहीं होता कि उसको financial analysis जो है करना है. So next is, it quickly become apparent that the staff resources required for the housing development project were much greater than what CEO has anticipated in the bid. In the rush to submit the bid to start the work, staff were not given the clear milestone for completion of the project or the individual performance target. This has led to the staff working on the long hours, morale has fallen, and several experienced employees have since left the firm. The project is well behind the schedule, and LP's client have said that it will take a legal action against the firm to recover and any financial loss caused by the delay. So, इसका क्या impact हुआ कि हमारे जो staff हैं, जो है staff जाने लग गए, and हमारे क्या मतलब क्योंकि हमारे CEO ने जितना सोचा था उससे ज्यादा हमें क्या करते हैं expense होने लग गया है. Staff को milestone नहीं मिला था तो staff जो है rush में है, उनके पास क्या कहते हैं demotivation वाला काम है, उनको ज्यादा देर काम करने पड़ रहा है. So, और ऊपर से ये अलावा हमारे पास क्या दिक्कत आ रही है कि हमारे क्लाइंट जो हमें बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा, विच इज ऑल्सो अ थ्रेट टू अस. अब ये सारे क्या है, ये दे आर द सिम्टम्स ऑफ फेलियर, डिफेक्ट्स एंड मिस्टेक्स जो हमने की हैं कॉर्पोरेट मॉडल की है, जो हमें दिख रही है. अब A score model, it has been suggested to the board that LP may be set as may be at a risk of corporate failure as it has a scores of 47 using the A score model which shows an appendix 1. तो हमारा score कितना आ रहा है, 47 आ रहा है, और जो कि 25 की limit से ज्यादा है, इसलिए chances क्या है कि we are suffering from the corporate failure की मतलब हमारे पास chance है कि हम corporate failure के suffer कर सकते. So, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें A score मॉडल को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि क्या हमारे पास सच में रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर है या नहीं. ए पार्ट हमारा ये है. सो इसको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को, कि ए पार्ट में हमें बताना होता है कि कॉर्पोरेट फेलियर पहले तो क्या होता है, देन की 25 की रेंज से ज्यादा होगा तो हमारा जो होता है चांसेस ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर जो है ज्यादा है, एंड हमारी रेंज क्या है, 47 की रेंज में आ रही है. सो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर. So, risk है हमारे पास क्यों, क्योंकि हमारा स्कोर जो है is greater than 25. So, ये हम explanation में हमारे लिख देंगे इस पार्ट की explanation में. Then, उसके अलावा हमें क्या लिखना है, defects, mistakes and symptoms of failure. Defects, mistakes and symptoms of failure. तो डिफेक्ट्स जो होते हैं हमारे दो कैटेगरीज के होते हैं, मैनेजमेंट डिफेक्ट्स एंड अकाउंटिंग डिफेक्ट्स. हम ये दोनों डिफेक्ट्स जो है डिफाइन कर देंगे कि कौन से मैनेजमेंट डिफेक्ट होते हैं और क्या कहते हैं अकाउंटिंग डिफेक्ट्स कौन से होते हैं. मैनेजमेंट डिफेक्ट जैसे क्योंकि हमारा जो सीईओ था वो ऑटोक्रेटिक था, वो कैसे कि जब हमारे बोर्ड मेंबर्स जो थे अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे उसने क्या किया कि अपने सारे मेजर डिसीजन ले लिए, या फिर उसने क्या किया कि क्या कहते हैं कि उसने खुद ही फाइनेंस डायरेक्टर नहीं था तो सारी रिपोर्ट जो है उसने खुद बना ली, तो ये भी हमारे लिए एक दिक्कत वाली बात है. और क्या कहते हैं हमारे पास और क्या इशू है कि हमारी जो है कि हमने जो सीईओ ने एनालाइज किया था कि जितना मेरा एक्सपेंस आउट होने वाला है उससे ज्यादा हमारे पास जो है एक बात हो गया कि हमारे एक्सपेंस जो है ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू जो हमने सोचा था. तो ये हमारे डिफेक्ट्स का चांस है. देन उसके बाद हमें क्या बोलना है कि हमारे मिस्टेक्स क्या हैं, कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स जो है की हैं इस रिगार्डिंगली. जस्ट अ सेकेंड. सो हमने मेंबर्स के बिना बिट कर दी और सीईओ डोमिनेंट पोजीशन का था, वो इन्फ्लुएंस करने वाला था, सो हम अच्छे से ये कर नहीं पाए. देन उसके बाद मिस्टेक्स में क्या है कि हमने क्या किया कि एक लार्ज प्रोजेक्ट में एंटर हो गए. मिस्टेक्स हमारी क्या हो सकती हैं कि हम एक लार्ज प्रोजेक्ट में एंटर हो गए जिसका हमें एक्सपीरियंस भी नहीं था और फिक्स फीस में ऑलरेडी हमारी क्या थी, गियरिंग रेशियो जो थी हाई थी, तो वो हमारे लिए एक मिस्टेक हो गया. क्योंकि अगर हमारे कस्टमर ने क्या बोला है कि यस कि हम आपके साथ मतलब कि हमें कस्टमर भी जो है फ्रिज दे रहे हैं, तो हमारे पास पहले ही रिस्क वाला बिजनेस है, रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन के टाइम पे अगर हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं कि हम सैलरीज नहीं पे कर पा रहे और हमें फिक्स फी पे करनी पड़ेगी, तो ये हमारे लिए क्या है, एक मिस्टेक्स है. तो ये हागी हमारी मिस्टेक्स का.
अब उसके बाद क्या है सिम्टम्स। तो जब हमारी मिस्टेक जो है विजिबल होने लग जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या है कि हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि हमारा जो स्कोर है ज्यादा है एज कम्पेयर टू द 25 जो लिमिट सेट है, और हमारा स्टाफ जो है छोड़ के जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया एज अ सिम्टम ऑफ फेलियर। अब हमारा बी पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो हो गया ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट क्या कह रहा है कि एडवाइस करना है एलपी व्हाट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आर नीडेड इन ऑर्डर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एंड सिस्टम यू हैव आइडेंटिफाइड इन पार्ट बी। तो जो पार्ट ए में हमने मिस्टेक्स और सिम्टम्स जो बोले हैं उनके रिगार्डिंग भी हम बोले हैं। तो अब हमारी मिस्टेक्स क्या थी कि हमने क्या कहते ऑपरेशनल गियरिंग ज्यादा थी, पहली चीज ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा। दूसरा क्या है कि हमने बिग प्रोजेक्ट में जो है एंटर कर गए थे विद अ फिक्स्ड फी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सीएसएफ जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, और ताकि हम फिक्स फी में ना जाते हुए वेरिएबल फीस में जा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये हमारे क्या क्या एक्शन हम ले सकते हैं, बजट हम सेट कर सकते हैं, हम माइलस्टोन सेट कर सकते हैं कि जिससे हम देख सकेंगे कि हमारी करंट पोजिशन क्या है। अब बेसिकली ऑपरेशनल गियरिंग वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, हम सीएसएफ डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उन सीएसएफ की हेल्प से हम केपीआई जो है डेवलप करेंगे, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हम हमारा फोकस करेंगे कि हमारी ऑपरेटिंग गियरिंग जो है हमारी विद इन द लिमिट होनी चाहिए। सो उससे हम देख पाएंगे, और हम उसके अलावा हम कैश फॉरकास्ट वगैरह जो है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इवेलुएट द यूजफुलनेस ऑफ यूजिंग द क्वालिटेटिव मॉडल सच एज ए स्कोर इन द प्रिडिक्टिंग द कॉर्पोरेट फेलियर। अब जो हमारा ए स्कोर मॉडल है वो हमारे लिए इवेलुएट मीन्स हमें बहुत एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देने हैं क्वालिटेटिव मॉडल ए स्कोर मॉडल के। सो बेसिकली हमारे लिए क्या है कि ए स्कोर मॉडल जो है ये इसमें क्या क्या हमारे लिए फायदे हो सकते हैं, कि ये हमारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों को देखता है। ये देखता है कि कैसे, मतलब पहले ही हमें पता चल जाता है, हम एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनीज क्यों फेल कर रहे हैं, और उसके बेस पे क्या कहते हैं आने वाली कंपनीज में अपने आप को बचा सकते हैं। ये इससे हम क्या कह सकते हैं, दोनों तरह के मॉडल देख सकते हैं हम, क्या कहते हैं हम, और ये सब्जेक्टिव है, तो इसकी सब्जेक्टिविटी जो है बेनिफिट भी हो सकती है, और ये हमारे लिए जो है डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ये होगा चेंज होगा। अब ये डिपेंड करता है इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है कम जो है देख सकता है, और बेसिकली ये ना बस बताता है कि कॉर्पोरेट फेलियर होने के चांस है, बट कब होगा या नहीं होगा ये भी इस मॉडल से जो है हमें श्योरिटी नहीं मिलती। So there are some advantages of disadvantages of predicting the corporate failure using the A score model. So हमने क्वेश्चन को पार्ट्स में जैसे जैसे गिवन है वैसे ही अटेम्प्ट करना है, एंड क्वेश्चन के जो जिस अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट है हर एक पार्ट में उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए।